गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जा रहे हैं ग्वाल पत्थर, गुगा जी महाराज हैं, उनके दर्शन के लिए। और ये चिंटू आगे बैठा हुआ। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, कैसे हो? काचू। तो चलिए रास्ता दिखाते हैं आपको। ये धनेटा के पास पड़ता है और नादौन के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, और हम हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो चलिए, मौसम भी सुहावना हो रखा है काफ़ी और बारिश का आसार है, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र। तो ये है कलोहा से पहले ही सदवा गांव, वहां से शॉर्टकट जाता है जहां से हम नादौन के लिए जा सकते हैं। और गलती से पंगा ले लिया क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं और पानी भी आया हुआ था, तो डर लग रहा था पता नहीं कितना पानी होगा। चलिए देखते हैं। वैसे तो थोड़ा ही पानी होता है, लेकिन कभी कभी ऊपर बारिश हो रही हो, क्योंकि बरसाती नाले टाइप ये खड्डे होती हैं, तो इनमें पता नहीं चलता कब एकदम फ्लो से पानी आ जाए। तो लेट्स सी, रास्ता तो शायद उजड़ गया होगा, लेकिन कई बार जो पिकअप्स वगैरह हैं, ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं बेसिकली, वो जाते रहते हैं, तो उनके द्वारा मतलब उनके थ्रू रास्ता बन जाता है, तो छोटी मोटी गाड़ियाँ भी निकलने लगती हैं। लेकिन कार वगैरह तो मेरे को लगता है मुश्किल जा रही होगी, बड़ी गाड़ी हालांकि जा सकती है। तो देखते हैं कैसा है रास्ता, यहाँ तो बहुत ही ख़राब है, यहाँ उतर के देखना पड़ेगा पूजा को। कैसा लगा? अच्छा, ठीक है। ये है रक्कड़, सामने पुलिस स्टेशन है एक पुरानी सी बिल्डिंग में, और उसके जस्ट पीछे भगवान नरसिंह जी का मंदिर है। ये गेट जो आप देख रहे हैं छोटा सा, जहाँ बहुत सारी धामें खाई हैं हमने, और ये यहीं पे रक्कड़ तहसील है, ग्रामीण बैंक है। और जैसे ही उतराई उतर के ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, तो लेफ़्ट साइड जो है, यहाँ पे बरसात के दिनों में बड़े से अजगर जिनको बोलते हैं, पाइथन्स और रसल वाइपर्स बहुत सारे यहाँ मिलते हैं। और ये जो लेफ़्ट साइड दिख रहा है, ये पीएचसी के लिए रास्ता है, और बिल्कुल सामने हमारा स्कूल 12th तक का, रक्कड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो अब कॉलेज बन चुका है, ये ग्राउंड है इसका। और वो लास्ट में नीचे बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर फिज़िक्स की क्लासेस लगती थी, उसके आगे केमिस्ट्री की, और लास्ट में जो ये आम का पेड़ है इसके जस्ट साइड में बायोलॉजी की। और ये यहाँ पे एक शॉप हुआ करती थी पहले, अभी पता नहीं है कि नहीं, बुक्स की, जहाँ से हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह की बुक्स लेते थे। और सामने की तरफ ये बिल्कुल सामने जो शॉप है एक हलवाई की, उन अंकल जी के पास समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं। ये जो राइट साइड में है, अब पहले आगे थी थोड़ा, ये आ गए हैं रक्कड़ क्रॉस करके।
कालीनाथ कालेश्वर महादेव जी का रास्ता है, नीचे को चला गया और चला गया नादौन की तरफ, और सामने आप ब्यास नदी देख सकते हैं। सामने दोस्तों आप देख सकते हैं ज्वाला जी का मंदिर है, और ये नादौन को रास्ता गया वहाँ से, और ये ब्यास नदी है, और ये पूर्णा का पुल है। किसी समय में बहुत ही ख़राब हुआ करता था, अब तो नया पुल बन गया है बिल्कुल। सामने ज्वाला जी माता हैं, और उस तरफ धर्मशाला कांगड़ा है। देखिए दोस्तों ऐसे नज़ारे, साफ पानी है, भैंसों को नहलाया जा रहा है अंकल जी द्वारा, और ये पानी जाके मिलता है आगे ब्यास नदी में। और ये जो पुल है जिस पे अभी हम खड़े हैं, ये नया पुल है, पुराना उस तरफ है, आप देख सकते होंगे। और इस पुल की बनाने का रीज़न ये था कि ये जो पहाड़ियाँ हैं इनसे इतनी चिकनी मिट्टी आती थी कि पुल पूरा भर जाता था पानी से, और फिर बसों को रुकना पड़ता था दोनों तरफ, और यात्री जो है पुल से पैदल पैदल चल के एक दूसरी जगह पे बसों में बैठते थे, और फिर ये पुल यहाँ की सड़क यहाँ की मिलती थी। तो ये नादौन आने वाला है, और बहुत ही प्यारा इलाका है, यहाँ पे सब्जियों की पैदावार होती है यहाँ पे, और सड़क किनारे सब्जियाँ बेचते हैं बहुत सारे लोग। और अभी फ़िलहाल ये जो है सीन, और दोस्तों ये जो यहाँ कामलू नादौन के इलाके के हैं ये जानते होंगे, ये नाग मंदिर है बनाया हुआ यहाँ पे। जब मैं डिप्लोमा करता था 2006 और 7 की बात है, यहाँ पे दो नाग निकले थे पुल के नीचे, तो किसी ने दो नागों को देखा और वहीं पे पूजा करना शुरू कर दिया, और वो नागों के, क्योंकि नागों को निकलने का रास्ता नहीं मिला और शायद उनकी डेथ हो गई थी उसी पुलिया में, और उसी में फिर ये मंदिर बना दिया गया। तो शायद ये है यहाँ की स्टोरी, जहाँ तक मेरे को याद है 2005-06 की बात है, 6-7-6 की बात है। और फिर यहाँ पे कुछ दिन पूजा वूजा भी चली, और यही शायद पुली थी ये, इसके नीचे पीछे है शायद कहीं, ये साथ में है, यहाँ पे निकले थे दो नाग। यहाँ पे अब मंदिर बना दिया गया है नाग देवता जी का, दो नागों का जोड़ा है, और अब कोई पूजा नहीं करता। तो जब तक है जीव तब तक है, उसके बाद खाली पैसा कमाने के लिए। दोस्तों आ चुके हैं ग्वाल पत्थर, दुर्गा जी महाराज के दर्शन कर लीजिए, जय बाबा। ये है दोस्तों गुग्गा जी ग्वाल पत्थर। रिबू बोलो जय भोलेनाथ, बोलो जय भोलेनाथ। और ये बाबा जी अजगर पकड़ के बैठे हैं, 10 रुपए। हाँ जय, अच्छा।
हाँ बच्चा दीपू चलो चलो बड़ा शिकार है बहुत शिकार डरता ही नहीं। तो दोस्तों अभी भी हेलमेट के अंदर ही हैं, बारिश हो रही थी बीच में, लेकिन मासी मासर जी के घर थे। अभी बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है, कुछ बादल हैं, कुछ बारिश करके चले गए हैं। तो दोस्तों ये आ गए हैं कलूर, यहाँ से आप राइट साइड लगाउन के लिए जाते हैं और लेफ्ट साइड सीधे ऊना आम्ब के लिए, और हम कलवा तक जाएंगे। चलाओ। पंकज को बता रहा है मेरे पास हेलीकॉप्टर है। तो दोस्तों घर आ चुके हैं वापस, कुछ खास काम के लिए गए थे, तो देखते हैं वो होता है कि नहीं, और तब तक बने रहें साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, जय हिंद।